और जब हुजूर आए थे ना तो तीन झंडे जिब्राइल लेके आए थे, एक मशरिक, एक मगरिब और तीसरा खाने काबे की छत। अब झंडे को आम ना समझो कि ये झंडा क्या है, और ले एक झंडा होगा कल कयामत वाले दिन और एक ही झंडा होगा और वो अली के पास होगा। पूरे मैशर में एक झंडा, पहले समझो झंडा है क्या तो फिर समझ लगेगी झंडा क्या है। गिरामी कदर झंडा, जैसे बहरिया टोन की एक हद है, थाने की एक हद है, डीसी की हद है, सूबे की हद है और मुल्क की, मुल्क की होती सरहद। और जब सरहद आ जाए तो वहां होता है झंडा, वो झंडा बता रहा होता है कि यहां से लेके दूसरी सरहद तक जिसका झंडा है उसकी हुकूमत है, जिसका झंडा उसकी हुकूमत। झंडा होता है हुकूमत की निशानी। आज भी टीवी ऑन करें, पाकिस्तान के झंडे के साथ पीटीआई का झंडा होगा। इमरान खान साहब बैठे होंगे, मलक राम साहब से पूछ सकते हैं, आपने देखा होगा झंडा होगा तो वो बता रहा होता है कि जिसका झंडा है उसकी हुकूमत है। तो अल्लाह ने एक झंडा मशरिक और दूसरा मगरब की हद पे लगा के बता दिया कि मशरिक से लेके मगरब तक जिसकी हुकूमत है वो मेरा मुस्तफा आ चुका है। झंडा और तीसरा झंडा था काबे पर, और काबा है हमारी अदालत, काबे में हमारे फैसले सारे सजदे काबे की तरफ। जैसे सुप्रीम कोर्ट जब भी बुलाए बंदा कहीं भी बैठा हो उसे आना पड़ता है क्योंकि हुकूमत है, ऐसे ही काबे पे झंडा लगवा के बता दिया कि मेरा मुस्तफा जिसको बुलाए, चाहे सिदरा पे बैठा जबरील हो उसे भी आना पड़ेगा, चाहे आसमान पे चांद चमक रहा हो उसे भी आना पड़ेगा, चाहे सूरज जा रहा हो उसे भी पलटना पड़ेगा। हुकूमत हुजूर की है, क़िबला हुकूमत हुजूर की है, और कयामत वाले दिन भी एक झंडा। नबी एक लाख कई हजार, मिसाल के लिए मैं मिसाल देना चाहता हूँ, अभी 10-11 पार्टियों के जलसे हो रहे हैं और उन 10-11 पार्टियों के झंडे भी अपने अपने, अब नहीं पता कि कौन आएगा। नहीं, कयामत वाले दिन 101,24,000 नबी होंगे मगर झंडा सिर्फ मुस्तफा का होगा, वो अली के हाथ में होगा, वो झंडा बता रहा होगा कि जिसका झंडा है उसकी हुकूमत है, जिसका झंडा उसकी हुकूमत। तो झंडा मुस्तफा का होगा, झंडा अली के हाथ में होगा। अब जिसका अकीदा है कयामत तक हुजूर की हुकूमत, वो जरा एक मिनट के लिए हाथ उठाए ना यार, अब बोलो सबसे औला आला। नहीं, हमारा नबी सारे बोले सबसे औला आला, यही नाम है जो लेंगे तो इज्जत में इजाफा होगा। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ ये नाम लेंगे तो इज्जत में इजाफा होगा। सबसे औला आला, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी जिनके तलवों का धोबन है आवे हया है वो जाने मसीहा। हमारा नबी हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मदी है दिलारा। हमारा नबी जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा। हमारा नबी कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौश रोशन सभी है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी जिसकी दो बूंद है कौश रोशन सभी है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही शेर आसान है मगर पानी बहुत बड़ा, जैसे दूसरा खुदा नहीं हो सकता ऐसे दूसरा मुस्तफा भी नहीं हो सकता। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा। हमारा नबी कौन देता है देने को मुझाइए, कौन देता
देता है। अहमद भाई कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? जो हजूर के लंगर पे पला है, जरा उठाए ना दोनों हाथ। देखना है हजूर के लंगर पे पलने वाला स्टेज पे बैठा है मोहम्मद आजम भट्टी, ये है मेरे हजूर के टुकड़ों पे पलने वाला। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ऐसे होते मुस्तफा के नौकर। कौन देता है? और आला हजरत कहते सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, जलती जाने बुझाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े, कल कयामत का दिन होगा, वो माँ जो बच्चों के बगैर रहती नहीं वो भी नहीं पूछेगी। माँ जब इकलौते को छोड़े, आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते ये हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। हाथ उठा के सारे बोलो, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, सबसे औला वाला। गमजदों को रजा मुझद दीजिए, आए आए गमजदों को, गमजदों को तुबला, कोई परेशानी है ही नहीं। वो ऐसे ही तुझे डराते रहते हैं, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। बात ठीक है, इनकार नहीं कर रहा मैं कि वो पुल सराज जहां से गुजरना है बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, और नीचे आग जल रही होगी। गुजर के दिखाओ, नहीं गुजर सकते, मुश्किल। मगर आला हजरत कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरे, रजा वजद आसान कर दूं तो मामला पांदे गुजर जाओ। आप पूछेंगे तो सही, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, और तेरे आला हजरत कह रहे हैं कि तू तमाला पांदा गुजर जा। समझ नहीं आ रही, कहा तुझे आएगी भी नहीं, आनी है तो फिर मेराज का वाकया पढ़। जब जिब्रील ने कहा था आका मुझे भी इजाजत दें कि जब आपकी उम्मत पुल सराज से गुजरे तो मैं पर बिछा दूं, पर बिछा दूं। तो जिब्रील जब पर बिछाए होंगे तो तुम आला पांदे गुजर जाएंगे। जहे इज्जत ओ तलाए मोहम्मद के है अर्शे हक जेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत ने बढ़ के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। गमजदों को रजा मुझद दीजिए कि है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आओ गिरामी कदर।